नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इफ फॉर्मूले का एक और एग्जांपल, जिसके माध्यम से आप इफ फॉर्मूले के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको इफ फॉर्मूले के बारे में बताया था, आज की वीडियो में मैं आपको इफ फॉर्मूले का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से इफ फॉर्मूले को कंठस्थ तरह से याद कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी एक्सेल में इफ फॉर्मूले का यूज करें तो आप कभी भी इफ फॉर्मूले को भूल ना पाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में आपको वहां पर बाजू में दिख रही बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर एक मार्कशीट देख पा रहे होंगे। इस मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट का नाम दिया गया है, उनके सब्जेक्ट वाइज नंबर दिए गए हैं, उनमें मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है और मार्क्स जो स्टूडेंट ने जितने मार्क्स प्राप्त किए वहां पर ये दिया गया है, उसी मार्क्स के अनुसार उनको कितनी प्रतिशत प्राप्त हुई यहाँ पर वो दिया गया है, उसमें रिजल्ट पास या फेल दिया गया है और यहाँ में ग्रेड को यहाँ पर निकालना है वो एक फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना के रखी है। अगर 75% से अधिक 75% या 75% से अधिक अगर उनको मार्क्स प्राप्त होता है तो उनको उनकी ग्रेड बनना चाहिए ए, और या 60 या 60 से अधिक बनने तो बी आना चाहिए, 45 या 45 या 45 से अबव नंबर परसेंटेज निकलती है तो आपको सी प्राप्त होना चाहिए, और 33 से या 33 से अधिक परसेंटेज हो तो डी प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों हम एक फॉर्मूले के माध्यम से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको पहले से तैयार करके रखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 73% है, अगर यहाँ पर आप देख पाए कि जैसे मैं यहाँ पर 85% कर देता हूँ, जैसे इंटरफेस करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेड में जो बी था वो ए हो चुका है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 22%, जैसे इंटर करता हूँ तो देखो वो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गया। यानी कि ग्रेड एफ फॉर्मूले के माध्यम से आप कैसे डाल सकते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम मैनुअली यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम यहाँ पर जो हमने ग्रेड लगाई थी हमने वो डिलीट कर दी, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में दोस्तों हम फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, एक फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर ग्रेड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है इफ। इफ लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ इस परसेंटेज के बेस पर हमें निकालना है इनकी ग्रेड को कि अगर देखिए परसेंटेज के बेस पे हम यहाँ ग्रेड निकालेंगे तो हमें इस परसेंटेज की बेस पे ग्रेड निकालना है। तो दोस्तों J2, अगर J2 बड़ा हो ग्रेटर देन J2 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझीजिए, अगर ये J2 बड़ा हो या बराबर हो किससे 75 से, अगर J2 ये वाला परसेंटेज अगर 75 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसकी जो ग्रेड आनी चाहिए वो डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर ए प्रेस कर देते हैं, डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर ए प्रेस कर देते हैं, इसके बाद एक कोमा दिखाते हैं। इस फॉर्मूले के मतलब हमारी पहली कंडीशन प्राप्त हो चुकी है, अगर J2 75 से बड़ा या बराबर हो तो A आना चाहिए, इस अन्यथा हम दूसरा कंडीशन देंगे इसको कि इफ। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हमारी दूसरी कंडीशन बोल रही है कि अगर J2 यानी कि J2 बड़ा हो या बराबर हो, किससे बड़ा हो या बराबर हो, ये 60 से बड़ा हो या बराबर हो, 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसको क्या परसेंटेज मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कोमा लगा के यहाँ पर हम बी डबल कोट के अंदर बी लग देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर ये नंबर परसेंटेज में लिया है, इसलिए हम यहाँ पर भी हमको जब कंडीशन देंगे तो हमें यहाँ पर भी परसेंटेज को टाइप करना होगा, तब ये नंबर सर्च कर पाएगा वरना नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन दे दिए बी तक। दोस्तों अब हम तीसरी कंडीशन देंगे कि इफ लगाएंगे, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर J2 यानी कि हमारा ये जो J2 है ये वाला परसेंटेज वाला सेल अगर बड़ा हो या बराबर हो किससे 45 से, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होना चाहिए, 45 के बराबर हो या 45 से बड़ा हो तो हमें यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए सी परसेंटेज मतलब सी ग्रेड, तो हमें सी डबल कोट के अंदर सी टाइप कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी, हम यहाँ पर एक कंडीशन दे दी हमने, दो दे दी, तीसरी दे दी, हम यहाँ पर चौथी कंडीशन देने वाले हैं कि
इफ के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम फिर से लिखेंगे J2 बड़ा हो या बराबर हो किसके 33 के, तो हमें यहाँ पर प्रिंट क्या प्राप्त होना चाहिए, ग्रेड, हमें यहाँ पर ग्रेड प्राप्त होना चाहिए डबल कोट के अंदर डी, यानी कि हमें डी यहाँ पर डी ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अब हमारा यह ग्रेड तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर दोस्तों इससे 33 से भी कम होगा तो क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मान लीजिए डबल अगर 33 से नंबर ग्रेड कम रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देते हैं एफ, यानी कि स्टूडेंट फेल हो जाए। तो दोस्तों हम एक बार फॉर्मूले को समझ लेते हैं। इफ लगाया हमने, पहली कंडीशन दे रहे हैं कि अगर परसेंटेज वाली सेल, ये परसेंटेज वाली सेल 75% से बड़ी हो या बराबर हो तो हमें ए मिल जाए। दूसरी कंडीशन हमने दी है कि अगर J2 60 या 60 से बड़ा हो तो हमें बी प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन दी हमने कि परसेंटेज J2 बड़ा हो या 45 के बराबर हो तो हमें यहाँ पर सी ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। उसी तरह हमने डी को दिया है कि J2 बड़ा हो या 33 बड़ा हो या बराबर हो तो हमें यहाँ पर ग्रेड क्या मिलना चाहिए, तो हमें डी मिलना चाहिए। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि इनके सबके नंबर के पीछे परसेंटेज होना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर परसेंटेज डाल देता हूँ, यहाँ मैंने परसेंटेज डाल दिया, तो दोस्तों हमें यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल देख लिया है हमने। अब सबसे लास्ट में हमने देखना है कि अब कोष्टक बंद करना है, तो कोष्टक कितने बंद करने, जितने हमने कोष्टक को ओपन किए हैं उतने ही कोष्टक को हमें बंद करना होगा। तो देखिए हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, हमने यहाँ पर 4 कोष्टक को ओपन किया, तो हम इस तरह हम 4 कोष्टक को बंद भी कर देते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहली कंडीशन में दिया था कि 75 या 75 से बड़ा हो तो ए होना चाहिए, तो देखिए 73 है इसलिए बी आया है। तो हम इसको सबसे इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम पकड़ कर नीचे तक ड्रैग करा देते हैं। ड्रैग कराने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 या 60 से बड़ा हो तो बी होना चाहिए, तो देखिए 60 या 60 से बड़ा हो तो बी है या और 75 से बड़ा है ए। इसी तरह दोस्तों हम मैनुअली भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर 22% लिखना, जिसे मैं 22% लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें कि स्टूडेंट बिल्कुल आपका फेल हो चुका है, या 32% करके एंटर करेंगे तो फेल। इसी तरह इसको हम यहाँ पर 99% कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो एफ में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम इस फॉर्मूले को यूज करके ग्रेड निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले के बारे में समझ गए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।